हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी का वीडियो, क्योंकि ये फ्यूचर वीडियो है। फ्यूचर इसमें ईयरफोन यूज़ नहीं होते, वायरलेस का ज़माना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाला हूँ अनवाइज X3 शॉर्ट्स की अनबॉक्सिंग। चलिए जल्दी से वीडियो उसका स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, और मैं वन मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है फीचर और कैसा बास है, वॉइस कॉलिंग कैसा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टाइम। इनके ज़माने गए गाइस, इसके ज़माने गए। अब आदमी को चाहिए कन्वीनियंस, एंड ऑल हर चीज़ में कन्वीनियंस खोजता है। जैसे एप्पल के एयरपॉड्स बनाते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस होते हैं, इसलिए वो महंगे होते हैं और अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ फास्ट, कुछ भी करो आप तुरंत ईजी वे में, यानी कि प्रोसेस उसका कुछ ज़्यादा नहीं। अब आते हैं इसके ज़माने, तो उसको जल्दी से मैं इसको दिखा देता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ नॉइस X3 शॉर्ट, जो मैंने वाइट कलर में मंगाया है, बट यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं स्पेसिफिकेशंस। नॉइस X3 ब्लूटूथ ईयरफोन्स और वर्जन 5.0 ब्लूटूथ का, और यहाँ पे लिखा हुआ है IPX4 स्वेट प्रूफ 1500 mAh की बैटरी के साथ। तो इसे हम ओपन करते हैं। खाली यहाँ पे था वो बॉक्स जिसमें ईयरफोन ईयरबड्स रखाएंगे, और दो ईयरबड्स हैं जो मैंने निकाल लिए। तो इसे भी खोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, ये आपको दिख रहा है खाली, ये जो मैं मेन चीज़ है वो हटा लिया मैंने। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक थैंक यू का कार्ड जो आप पढ़ सकते हो, और फिर इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपको एक मिल जाएगा एक डाटा केबल जो चार्ज होता है, चार ईयरबड, एंड दिस इज़ अ नॉइज बुक लेट। जो वारंटी है इसमें वो से मिलेगा आपको। तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस ये वारंटी वगैरह इसमें दिए गए हैं, बस हो गया। अब चलते हैं मेन चीज़ पे। सो दिस इज़ द नॉइज X3 शॉर्ट्स, या बेस बोलें आप जो भी बोलें। ये है इसका बॉक्स, दिस इज़ द बॉक्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। दिस इज़ द 1500 mAh बैटरी। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइस शॉर्ट्स X3 चार्जिंग केस कैपेसिटी 1500 mAh। ये थोड़ा घिस गया है क्योंकि मैं वन मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, फुल रिव्यू दे रहा हूँ उसके लिए। और यहाँ पे नॉइस ये ओपन हो जाता है, एंड देन जैसे ओपन होगा यहाँ पे ब्लिंक करेगा द टू, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट, वहाँ पे ये ब्लिंक करता है। अब इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लाइट जलता है, ये लाइट ब्लिंक करेगा और चार्जिंग के लिए। तो इसे आप बंद कर सकते हो काफ़ी इजीली, और अच्छा बॉक्स है। एप्पल ईयरपॉड्स जो 2 आया है उसका सेम डिज़ाइन है, ये वाला 1 एक साल पहले ही आ चुका था, एप्पल ईयरपॉड्स के पहले ही आ चुका था ये। सो ये आप देख लिया अपने चार्जिंग केस, इसे साइड करते हैं अपन। लेट्स कम टू द earpods, this is the 2 earpods, you can see यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइज, यहाँ पे सिल्वर। ये आप टच करोगे तो ये आपको टच नहीं है, ये हैप्टिक फीडबैक, ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं चलता हूँ जल्दी से इसका रिव्यूज़ बताता हूँ आपको कि क्या कुछ इसमें अच्छाई है, क्या कुछ ख़राबी है। तो चलिए जल्दी से आते हैं फिर। अब आते हैं इसकी रिव्यू पे, और इसका प्राइस कैसा है, और बहुत कुछ बात करना है, बेस कैसा है, बहुत सारे बात करने हैं, तो इस पे आ जाते हैं जल्दी से। सो दिस इज़ द 2 ईयर पॉड्स, एक यहाँ पे लिखा रहेगा लेफ्ट, एक यहाँ पे लिखा है राइट। तो आपको राइट ही वाली ये ईयरबड्स यहाँ डालनी है, दिस साइड एंड दिस साइड, यू कैन सी दिस। आपको ऐसे इसे डालना है, फिट बहुत अच्छे से होता है। मैं जिम वगैरह भी जाता हूँ, एक मंथ से मैं जिम में यूज़ कर रहा हूँ, तो जिम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये फॉल डाउन, ये गिरता नीचे नहीं है। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। अब इसका बात करें बेस का, तो बेस इज़ गुड, नॉट सो मच, नॉट एन इशू, बहुत अच्छा बेस है। ऐसे आप सुनोगे तो बेस में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा होता है ना, जो
अप्स एंड डाउन्स हैं। आप सॉन्ग की बात करो अप्स एंड डाउन्स के, तो वो भी थोड़ा और अच्छे होने चाहिए थे बट नहीं है, बट ठीक है इससे आप सुन सकते हो और बजट में है, यानी कि आप अभी लोगे अमेज़ॉन पे तो 4000 रुपीस का मिलेगा, और लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो जाके आप परचेस करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमेशा सेल पे आते रहता है ये एक्सट्री शॉर्ट, तो आप ये जाके परचेस कर सकते हो। मैं कहूँगा अगर आप जिम में जा रहे हो, अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए, सो दिस इज़ बी द गुड ईयरपॉड्स फॉर यू। एप्पल ईयरपॉड्स की तरफ तो हो नहीं सकते, एप्पल ईयरपॉड में बहुत खूबी होती है जो इनमें नहीं है। मैं अभी एप्पल के फ़ोन में इसे यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्ट आप एक बार इसे राइट कनेक्ट करोगे फिर ये लेफ्ट कनेक्ट हो जाता है अपने आप, तो उसे एक बार सिर्फ करना है, आप इसे ओपन जैसे करोगे ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा एप्पल के साथ। तो मैंने अभी iOS यूज़र के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मैं जैसे इसे ओपन करता हूँ ये बॉक्स को मैं खोलता हूँ तो ये तुरंत अपने आप कनेक्ट होता है सीमलेसली, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी होता है तो वो आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। और जो लाल वाला घंटा है उसे बजाना ना भूलें, कि ऐसे ऐसे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं, और बहुत सभी वीडियो आने वाले हैं। नॉइज़ आप देख रहे हो तो स्पॉन्सरशिप करो यार, मजाक कर रहा हूँ। तो ये है नॉइज़ के X3 शॉर्ट्स जो काफ़ी अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी कोई नए वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब कर दो नहीं तो मैं जादू कैसे दिखाऊँगा। बाय बाय।